नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। आज के पॉलिटिकल किस्सा में हम बात करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। यह किस्सा है जब चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। चंद्रशेखर ने एक बार कहा था कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही। चंद्रशेखर ने कहा था, वो किया भी। इतना बड़ा दावा करने वाले नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक झटके में ही कुर्सी को छोड़ दिया। यह किस्सा है साल 1989 का। तब बोफोर्स को लेकर राजीव गांधी सवालों के घेरे में थे। इससे 1989 के चुनाव में बाजी पलट गई थी। राजीव गांधी की सरकार बहुमत से दूर हो गई थी। ऐसे में जनता दल ने भाजपा और वामपंथी दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रशेखर को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद मंडल कमीशन पर बवाल मच गया और 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। तभी जिस कांग्रेस का विरोध करके जनता दल सत्ता में आई थी, उसी कांग्रेस का समर्थन हासिल कर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि उनकी सरकार भी ज्यादा दिन चल नहीं सकी। कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस बारे में चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि एक दिन कांग्रेसी नेता आर के धवन मिलने आए, राजीव गांधी का संदेश दिया। मिलने गए और राजीव गांधी से पूछा कि क्या आप सरकार बनाएंगे, तो मैंने बताया कि सरकार बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त संख्या नहीं है। इसके बाद राजीव गांधी ने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम बाहर से आपका समर्थन करेंगे। समर्थन दिया भी। इस तरह 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर देश के 8वें प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस ने चंद्रशेखर की सरकार के कामकाज में जल्द ही दखल देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की चिकचिक के बाद चंद्रशेखर ने सरकार चलाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस जब तक समर्थन वापस लेने का दाव चलती, तब तक चंद्रशेखर ने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। खीज में जब कांग्रेस को कुछ नहीं सूझा तो आरोप लगा दिया कि सरकार राजीव गांधी की जासूसी करा रही है। ऐसे ही पॉलिटिकल किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।